लजना कम्युनिटी जो कादियानियों की है, नहायत चलाक, नहायत इंटेलेक्चुअल, नहायत सोफिस्टिकेटेड, नहायत ही कह लें कि हिडन एंड कंसील्ड, और ये टोटली जो है ना शीपिशली एंड सीक्रेटली अपना काम करती हैं। इनकी औरतें, इनकी लड़कियां, खासतौर पे यूनिवर्सिटीज की ये स्टूडेंट्स हैं और बड़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और खूबसूरत लड़कियां, चुन के इनको पता होता है कि कौन सी लड़की जो है ना उसको मकनातीस की तरह जो है ना उसके इर्द गिर्द जो है ना एल्युमिनियम को खिंचवाएंगे। और ये बेचारे भोले भाले यंगस्टर लड़के, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं फलानी के बगैर रह नहीं सकता, मैं टिंगी के बगैर नहीं रह सकता, मैं टूंगे के बगैर नहीं रह सकता। तू रह नहीं सकता, तू अल्लाह रसूल के बगैर रह सकता है, लेकिन तू औरत के बगैर नहीं रह सकता। ये है इंसान की फितरत। माइन दाफिक, अल्लाह कहते तुम क्या अपने आप को समझते, उछलते हुए पानी की पैदाइश, गंदे पानी की पैदाइश। इंसान याद रखेगा, इंसान का एक गोल होता है, एक अल्टीमेट गोल होता है। इस इंसान ने अल्टीमेट गोल जो है ना महबूब और महबूबा को बना दिया ना, इंसान प्रस्ती औरत प्रस्ती पर चला गया ना, समझे वो बंदा गया इस दुनिया से। औरत प्रस्ती हराम है, औरत प्रस्ती हराम है। वर्शिपिंग अ वुमन एंड मैन इज हराम, जिसे फ्रेंच मैन कहता है ना कि मनी इज माई गॉड एंड अ वुमन इज माई गाइड, हराम है ये इस्लाम में। इस्लाम कहते ये कैसे लोग हैं, इंसान प्रस्ती, ना ना ना, इंसान प्रस्ती हराम है। जो करना रब का अल्लाह से मोहब्बत और नबी से सके ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता, ना करना है किया, ये भी ईमान गया आपका। आपके माँ बाप भी नहीं है, क्या बात करते हैं, मियाँ बीवी बच्चे तो बात की बात है, माँ बाप भी नहीं अफजल हो सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यह हज़रत ईसा का फतवा भी है बाइबल में, अगर किसी क्रिश्चियन को पीड़ पड़ जाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम मेरे हो ही नहीं सकते अनलेस यू हेट योर फादर एंड मदर। उन्होंने तो हेट का वर्ड लिया, बड़ा सख्त वर्ड है, हमने नबी ने हेट नहीं बोला था, नबी ने कहा था कहीं पर याद रखना मेरे से अगर भी प्यार करता हो अपने माँ बाप से ज्यादा मुझे करेगा तो मेरा, अदरवाइज वो चुपके चनाचे वाला बकवास करता है वो। तो अब समझे, इनकी लजना कम्युनिटी है बड़े निकाब करके, कुरान पढ़ेंगी, कुरान बड़ी पढ़ेंगी, बारीक आवाज से, लस्टफुल वॉइस से, हवस की आवाज से पढ़ेंगी। और फिर कुरान पढ़ने का अंदाज इतना को गंदा जैसे कोई गुनगुना रहा है या गाने गाने वाला अंदाज है, यानी अजीब सी आवाज में पढ़ेंगी बारीक करके। और कोई रब जो मुरब्बी है ना इसको कुरान नहीं पढ़ना आता, चैलेंज है, ये देख के पढ़ेगा। जबकि मिर्जा मसरूर जो है वो नहीं पढ़ सकता कुरान, तो ये क्या पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ सकता, मिर्जा नहीं कुरान पढ़ना जानता। इनको बिठाएं कभी पैनल पे, कहें बनकर कुरान पढ़ के दिखा कुरान, बगैर किसी दम्मा कसरा इसकी मिस्टेक के, बगैर तजवीद की कोई सिंगल मिस्टेक के पढ़ के दिखा कुरान, ये पढ़ नहीं सकता, दावे करते हैं खलीफाओं के। और वो आगा खान तो छड्डो, उन्हें तो उसको तो पता नहीं नमाज पढ़े कितनी देर होगी, उसको तो नमाज का भी नहीं पता होगा, बना फिरता है वो इधर उधर फिरता रहता है, बेवकूफ दुनिया को बना हुआ, बेवकूफ लोग। हजरत अली की शर्म, हजरत अली का रुतबा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीद, तू पहुंच क्या, तू कोई शख्स नहीं पहुंच सकता हम में से भी भाई, हम उनकी मट्टी जो है ना, मट्टी पैरों की उसके भी बराबर नहीं है। हजरत अली की बात करते हो, तुम्हारा मुंह नहीं है बात करने का, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के रुतबे को तुम समझते हो, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अदल, उनका रुतबा शेर हैदर, ही वाज अ लायन, फर्रत मिन कसवरा, कुफ़्गाफ़रु कसवरा जिसा पड़ा हुआ है, कअन्नहुम हुमरुन मुस्तनफ़िरा, ये काफिर सारे जो थे हजरत अली के दौर में ये तो हिमार थे, क्या जैसे शेर अली पड़ा हुआ है, फर्रत मिन कसवरा, वो तलवारे दो मुंह, वो उठा दी एक पहलवान को उन्होंने ऐसे गिराया। हजरत अली की बात करता है तू, तू इस्माइली, तू आगा खानी, अपना मुंह शक्ल देख जाके और अपनी हरकतें देख, हजरत अली के नाम पे स्टेन है, तू ठप्पा बना रहा है। तो इस्लाम को बर्बाद करके इन लोगों ने रखा हुआ है सोसाइटी के अंदर। तभी तो देखे ना ये मिर्जा मसूर और इस्माइली आते थे, गोरे कैसे इर्द-गिर्द बैठ जाते हैं, जी 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 इनसे बात करवाएं, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, असल दुश्मन कौन है, वो बेचारे दकियानूसी बेचारे जिनको कुछ खाना नहीं आता वो दुश्मन इस्लाम के, ये बैठे पेंट कोट व्हाइट कॉलर्स, अंग्रेजी में बड़ी अच्छी बात करेंगे, बड़ा सोफिस्टिकेटेड निजाम, कितने पीस लविंग लोग हैं। दज्जाल, दज्जाल जो दिखता वो है नहीं, जो दिखता वो है नहीं।